2024 नवंबर की जो महीना में जो चुनाव होने वाली है, इस पर क्या भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर पाएंगी या फिर हार का सामना करना पड़ेगा? इन सारे मुद्दे के साथ हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि झारखंड पर गठबंधन की सरकार अर्थात जल जंगल जमीन बचाने की जो सरकार क्या जीत पाएगी, जितने की 75% डाटा हम आपको बताएंगे, जिसे आप समझ जाएंगे कि 2024 नवंबर की जो चुनाव में ये पार्टी आसानी से अपना खत्ता पर विजय हासिल कर पाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से 5 साल पूर्व में आपको कुछ इतिहास को समझना पड़ेगा, जब रघुवर सरकार की 5 साल कार्यकाल को आपको समझना पड़ेगा, उस हालात को आपको समझना पड़ेगा। ये बात मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रघुवर सरकार चलती थी। उस वक्त पर ट्राइबल जनजाति हमारे इस झारखंड पर, इस छोटा नागपुर की पठार पर पत्तलगढ़ी का आंदोलन आपने सुना होगा। पत्तलगढ़ी अर्थात आदिवासी जनजाति खुद की परंपरा को, पूर्वज की धरोहर को, उसकी विरासत को कायम करने के लिए पत्तल पर अंकित करते हैं, अर्थात अपनी सीमान चौधरी पर पत्तल गाड़ते हैं। इन सारी परंपराओं को, इन सारी आस्थाओं को, इस सारी धरोहर को रघुवर सरकार ने खारिज करते हुए प्रशासन के इशारे पर, रघुवर सरकार के इशारे पर इस पर लाठियां भंजवाने का काम किया था। उस वक्त उस काल वाला हमारे झारखंड के ट्राइबल जनजाति कैसे बोल सकते हैं? ये इतिहास मिट जाएगी, ये इतिहास ख़त्म हो जाएगी, ये जहां ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो हालात जो 2019 से पहले 18, 17, 16, 15 को कोई नहीं भूल सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं और इसी का जीता जागता उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद तय कर दिया है कि रघुवर की सरकार आने से अर्थात रघुवर की तस्वीर हमारे झारखंड की विधानसभा चुनाव पर तस्वीर लगाने से भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए आज के तारीख पर भारतीय जनता पार्टी की पोस्टर बैनरों पर रघुवर सरकार का अर्थात रघुवर दास का चित्र आपको देखने को नहीं मिलता है। हालांकि इसकी कुछ फैक्ट है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज की तारीख पर हमारे झारखंड की सियासत पर काफ़ी असमंजस स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि ट्राइबल जनजाति खुद को ये मानते हैं कि हमारी ये पार्टी नहीं, हमारी वो पार्टी हमारे लिए एक मसीहा बन के आएगी, हमारे लिए जनभावों को सुनने की, हमारी जनमानस को समझने वाली ये पार्टी है। हालांकि पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में फलाना ढेकना पार्टी ने हम लोगों को धोखा दिया है, लेकिन झारखंड में ऐसा कई पार्टियां चल रही है जो लगातार जनजातियों को, ट्राइबल जनजातियों को पिछले 75 साल से ऐसे कई संगठन जनभावनाओं को गुमराह करने का और दिन भ्रमित करने का हमेशा से प्रयास होती है। ये बात आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 2019 से पहले ऐसे कई संगठन हमारे झारखंड पर अपना पैर पसार रही थी और उस समय पर उस जनजाति को, हमारे झारखंड के भोला भाला ट्रैवलरों को आज की तारीख पर उस अंधेरे की दुनिया पर खुद को धकेल दिया गया है। आज की तारीख पर जब 2000 चुनाव, जब लोकसभा विधानसभा की जब चुनाव आती है, ऐसा ही कुछ संगठन हमारे झारखंड पर अपना पैर पसारने की प्रयास करती है। हालांकि आपने देखा होगा हमारे झारखंड पर ट्राइबल जनजाति, विदेशी बाहरी बिदरी इन सारे मुद्दे से अपनी जनभावना भटक जाते हैं। अर्थात आज की तारीख पर ट्राइबल जनजातियों को विदेशी बाहरी राजनीति को लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उन सबको समझाना इतना आसान है
कि फलाना समुदाय, फलाना संगठन विदेशी है, बाहरी है, लोकल की नहीं है, इन सारे मुद्दों को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन उनकी जनभावनाओं को भटकाना उससे भी आसान है और आज की तारीख पर आपको आसानी से देखने को मिल रहा है। उस दौर था जब 2019 से पहले, जब पत्तलगड़ी के मामले पर हमारे झारखंड के ट्रैवलरों को इस तरह से उनके भावनाओं को के साथ खिलवाड़ किया है, जिसे आज की तारीख पर भी खुद को ये समझ नहीं पाते हैं। लेकिन उसी का जीता जगता हालात आपने देखा होगा, जब पत्तलगड़ी की धरोहर को ख़त्म करने के लिए रघुवर सरकार का सबसे बड़ा हाथ है। आज उसी इतिहास को पीछे न दोहराया जाए, ये देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया है, राजनीति से ही रघुवर सदास को हमेशा के लिए संन्यास कर दिया है, अर्थात अलविदा कह दिया है। हालांकि ये दिन, ये समय आज के तारीख पर ट्राइबल जनजाति हमारे झारखंड के लोग भूले नहीं हैं, अर्थात 10,000 लोगों पर जो देशद्रोह का मुकदमा चलाने वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज ये खुद को पछताना पड़ रहा है और ये खुद को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम 2024 लोकसभा और विधानसभा की चुनाव पर हम किस हैसियत से हम ट्राइबल जनजातियों के बीच में हम जाएं। ये खुद को समझ नहीं पा रहे हैं और ना समझने की वजह से ही आज की तारीख पर भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड से बाहर के लोगों को, हमारे झारखंड की राजनीति की इतिहास को बूझा लाने के लिए बाहर से बुलाने की प्रयास होती है। ये इतिहास, ये हालात, जो 2019 की जो तस्वीर, भले ही हमारे झारखंड के लोग भूल सकते हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा लिखाया है जिसे आने वाले 50-100 साल की पीढ़ियाँ भी कभी नहीं भूल सकती है। लेकिन उस वक्त जब जेएमएम की सरकार जब बनने से कोई नहीं रोक पाया, ना रोकने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि 10,000 लोगों पर जो FIR को माफ़ कर दिया जाता है, उसके पक्ष पर ट्राइबल जनजाति खड़े होने की शपथ लिए हैं। और उसी का जीता जगता उदाहरण आपने देखा होगा पिछले बार लोकसभा की चुनाव पर, 5 लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से हार का सामना करना पड़ा। अगर यदि 5 विधान लोकसभा सीट के अंदर पर, 5 लोकसभा सीट के सर्कल पर जितने भी जो विधानसभा सीट आते हैं, ट्राइबल जनजाति अगर ये ठान ले सकती है, ये ठान लेती है कि हम 5 लोकसभा सीट से जो भी विधानसभा सीट आएंगे, उस इलाके से हमें कौन सी पार्टी को जिताना है, किस पार्टी को अपना मत का अधिकार देना है, उस मत को हमें देना है, ये अगर ठान लेती है तो आने वाले समय में भी, 2024 नवंबर की चुनाव में भी, ये परिणाम उस इलाके पर आसानी से हो सकती है। मतलब क्या, वही जो आप समझ रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्राइबल जनजातियों को भटकाना, अटकाना इतना आसान है, लेकिन एक बार उस गलती को जो समुदाय, जो जनजाति जो समझने लग जाते हैं, उस समुदाय को फिर से भटकाना संभव ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन का शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव पर आपने देखा होगा और उसी का जीता जगता उदाहरण आज के तारीख पर देखने को मिल रहा है। और हमारे झारखंड पर आपने देखा होगा ट्रैवलों के पक्ष पर भारतीय जनता पार्टी लोग क्या करते हैं, जनजातीय दिवस मनाने पर ट्राइबल जनजातियों को चिपका देते हैं, लेकिन खुद को आज की तारीख पर ये ट्राइबल जनजाति जनजाति कहने पर मजबूर हो जाते हैं, अर्थात कहने पर खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं। और इसी का उदाहरण, इसी का जीता जगता चीज, इसी का खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन पिछले बार भी जब जनजातीय सुरक्षा मंच जैसे जनजातीय दिवस मनाने पर ट्राइबल जनजातियों को मजबूर कर रहे थे, आदिवासी जनजातियों को जनजातीय दिवस
मनाने के लिए सरकारी स्तर पर, आधिकारिक स्तर पर जब घोषणा करते हैं, तब भी हेमंत सोरेन इन सारे लोगों को जनजातीय शब्द कहने से खुद को बचते थे। अर्थात इस उदाहरण से आप यही समझ जाइए कि लोकसभा चुनाव की परिणाम जिस तरीका से मिला है 2024 में भी आने की संभावना है। और हमारे झारखंड पर सबसे बड़ा आंदोलन एक जमीनी स्तर पर जो जुड़ी पकड़ पाई है वह है सरना कोर्ट की आंदोलन। और पिछले बार आपने देखा होगा डीलिस्टिंग जैसे आंदोलन हमारे झारखंड पर होती रहती है। इन सारे आंदोलनों का सबसे बड़ा खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भुगतने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कुछ बीट टीम ऐसे मुद्दाओं को, जनभावनाओं को भटकाने में खसर नहीं छोड़ती है, लेकिन इसका सीधा खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से भुगतना पड़ता है। क्योंकि पिछले बार भी आपने देखा होगा जब हमारे झारखंड पर डीलिस्टिंग का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन के आया था और उसी का खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना पड़ा। और आज की तारीख पर भारतीय जनता पार्टी के जो जन भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किए हैं, कुछ अपना चेहरा तो चमका लिए हैं, लेकिन ये लोग खुद को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम झारखंड के जनजातियों को हम किस तरह से हम एकजुट करें। अर्थात इन सारे चीज़ों को देख करके ही बाहर से भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के पंडितों को मनाने के लिए हमारे झारखंड पर आना पड़ रहा है। लेकिन ये वाला हमारे झारखंड के ट्रैवल कौन भूल सकता है, क्या भूल सकता है, कैसे भूल सकता है, ये कभी भूलने योग्य नहीं है। लेकिन आज की तारीख पर इन सारे मुद्दे को अटकाने और भटकाने के लिए हमारे झारखंड पर क्या हो रहा है, दीदी गोद दो योजना 2100 रुपया 2500 रुपया इस तरह की आंदोलन हमारे झारखंड पर चलाई जा रही है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। अगर हमारे दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से जुड़ी जानकारी आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।